ट्रेनिंग के दौरान धोनी लगातार मार रहे थे लंबे छक्के। अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी। रेना और धोनी आईपीएल से पहले एक साथ ही चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे थे। ऐसे में रेना ने कहा कि धोनी की बल्लेबाजी देख वो भी चौंक गए, क्योंकि वो काफी लंबे शॉट्स लगा रहे थे और उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है। टीम इंडिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग के ट्रेनिंग के दौरान धोनी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। यह अंत में कोरोना के चलते ये ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गया था, लेकिन धोनी के कैरियर को लेकर रोजाना नई खबरें सामने आ रही है कि अगर आईपीएल नहीं होता है तो धोनी के कैरियर का क्या होगा, क्योंकि कल ही लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में रैना को अभी भी उम्मीद है कि माही टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। रैना ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उनमें अभी काफी क्रिकेट बचा है। वो अलग अलग शॉट खेल रहे थे जो मैंने नहीं देखे थे। वह अभ्यास के दौरान वो काफी लंबे छक्के मार रहे थे। 2 घंटे तक जिम में पसीना बहाने के बाद और फिर चेन्नई की उस गर्मी में 3 घंटे बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। मुझसे अगर पूछा जाए तो धोनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, रैना ने सभी बातें अपने इंस्टाग्राम लाइव में कही। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता है कि धोनी की उम्र हो गई या वो थके हुए नजर आ रहे हैं। वो हमेशा कुछ अलग करना चाहते हैं जिससे जब लोग उन्हें देख तो अलग लगे। साल 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियन ट्रॉफी के दौरान रैना धोनी के साथ ही थे। रैना ने आगे कहा कि अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL होता है तो उन्हें उम्मीद है कि वो टीम में आ सकते हैं। 33 साल के इस क्रिकेटर ने सिलेक्टर को लेकर कहा कि जब उन्हें टीम से बाहर निकाला गया तो उन्हें अंत तक नहीं बताया गया है कि वो क्यों बाहर हुए। वो आज भी उस जवाब की तलाश में है। रैना ने टीम इंडिया के लिए 18 टेस्ट 226 वनडे और 78 T20 मैच खेले हैं। MS धोनी ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के इनकी गेंदों पर ठोके हैं। ODI में लगाए हैं कुल 229 सिक्स। MS धोनी की जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हुई थी तब वो बेहद आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे। वक्त बदला, जिम्मेदारी बढ़ी और उन्होंने अपने बल्लेबाजी का अंदाज थोड़ा बदला और वक्त के मुताबिक खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी मारक क्षमता में कोई अंतर नहीं आया। भारत के लिए निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने वाले धोनी की बल्लेबाजी की खासियत ये हो गई कि पहले वो पारी को संवारते फिर गेंदबाजों की पिटाई करते। भारत के सबसे सफल कप्तान अपने छक्के लगाने के अंदाज के लिए भी खूब जाने जाते हैं और वनडे में उनके नाम पर 290 छक्के हैं। और 50-50 ओवर के क्रिकेट में धोनी ने किन गेंदबाजों की गेंदों पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं हम आपको इसके बारे में बताते हैं। धोनी ने अब तक अपने कैरियर में खेले 350 मैचों में 229 छक्के जड़े हैं। भारत की तरफ से वो वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर है। वही वर्ल्ड क्रिकेट में वो इस मामले में 5वें स्थान पर है। वनडे क्रिकेट में 229 छक्के लगा चुके धोनी ने क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे ज़्यादा छक्के जेम्स फोकनर की गेंदों पर लगाए हैं। उन्होंने अपने वनडे कैरियर के दौरान फोकनर की गेंद पर कुल 8 छक्के लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने शेन वॉटसन और तिकल रत्न दिलशान की गेंदों पर 6-6 छक्के लगाए थे। वही ग्रेम स्वान की गेंद पर उन्होंने 5 छक्के लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने थिसारा परेरा, ब्रेंडन टेलर और चन्ना की गेंदों पर भी इतने ही छक्के लगाए थे। वनडे में इन गेंदबाजों के खिलाफ धोनी ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के। जेम्स फोकरन 8 छक्के, शेन वॉटसन, तिलक रत्न दिलशान 6 छक्के, ग्रेम स्वान, थिसारा परेरा, ब्रेंडन टेलर, चन्ना 5 छक्के। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा है, जिन्होंने 224 मैचों में 244 छक्के लगाए हैं। तो वही धोनी दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने 350 मैचों में 229 छक्के जड़े हैं। तीसरे स्थान पर सचिन है, जिन्होंने 463 मैचों में 195 छक्के लगाए। MS धोनी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं, ये सवाल हर भारतीय फैन के जहन में है। धोनी के दोस्त और चेन्नई सुपर किंग के अहम खिलाड़ी सुरेश रैना ने इशारों में इस सवाल का जवाब दे दिया है। सुरेश रैना ने खुलासा किया है कि MS धोनी पहले से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके बल्ले से अब और ज्यादा लंबे छक्के निकल रहे हैं। रैना ने इशारों में कहा कि धोनी टीम इंडिया में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। धोनी पर रैना का बड़ा खुलासा। सुरेश रैना ने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट तक से खास बातचीत में कहा
अभी चेन्नई का कैंप लगा था, मैं रायडू था, मुरली विजय था, माही भाई काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। धोनी की बैटिंग देखी वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गए हैं, उनके अंदर काफी क्रिकेट बची है। धोनी चेन्नई में नए शॉट की प्रैक्टिस करते दिखे और उनके छक्के और ज्यादा दूर जा रहे हैं। रैना ने आगे बताया कि धोनी की विकेट के बीच दौड़ और ज्यादा तेज हो गई है। रैना ने बताया कि धोनी सुबह 2 घंटे जिम करते थे और फिर चेन्नई के गर्म मौसम में 3 घंटे बल्लेबाजी करते थे। रैना ने खुलासा किया, धोनी की बैटिंग पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, उनकी विकेट कीपिंग और ज्यादा सही हो गई है। स्पिनर्स के खिलाफ वो कुछ अलग शॉट खेल रहे थे, जब वो खेलेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि धोनी कितना और खेल सकते हैं। दरवाजा तोड़कर टीम इंडिया में करेंगे एंट्री। सुरेश रैना ने कहा है कि वो अब भी टीम इंडिया में वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हें बयान दिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अंदर आग है और मैं टीम इंडिया में वापसी के लिए ही खेल रहा हूँ। जो किस्मत में है वो कोई नहीं छीन सकता, खेलेंगे तो टीम इंडिया में दरवाजा तोड़कर घुसेंगे। रैना ने खड़े किए सिलेक्टर पर सवाल। सुरेश रैना ने इस बातचीत में टीम इंडिया के सिलेक्टर के रवैयों पर भी सवाल खड़े किए। रैना ने कहा, मुझे जब भी मौका मिला है मैंने अच्छा किया है, यो टेस्ट भी पास किया, अब सिलेक्टर क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने नहीं बताया कि हमने क्या गलत किया है। सिलेक्टर को सीनियर खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए, सिलेक्टर बात ही नहीं करते। खिलाड़ी को जानने का हक है कि उसके अंदर कमी क्या है, वो नहीं पता चलेगा तो कोई सुधार कैसे करेगा। सुरेश रैना ने आगे कहा, मैं सिलेक्टर बना तो मैं जरूर खिलाड़ियों को जरूर बताऊंगा कि तुम बाहर क्यों हो। सुरेश रैना ने पंत को भी अचानक प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर सवाल खड़े किए। उन्हें कहा कि पंत अच्छी बैटिंग करता है, उससे गलती हुई है, लेकिन सिलेक्टर को उससे बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।